इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट जो कि है पीएच मीटर के ऊपर। हम लोगों ने सुना होगा ना कि हमें मार्केट में कुछ पीएच मीटर, कुछ हमारे पास पीएच पेपर मिलता है। पीएच मीटर तो एक मशीन जैसा हो गया, वो नहीं, हम पीएच पेपर की बात कर रहे हैं कि पेपर में हम कुछ डालते हैं तो पता चलता है कि अगर उसका कलर ऐसा हो गया तो वो ये है, अगर उसका कलर ऐसा हो गया तो वो ये है। तो आज के इस एक्सपेरिमेंट में ना हम लोग इस प्यारे से कलर का, जिसको कुछ लोग चाइना रोज बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको साइंटिफिक नेम में इसको हिबिस्कस बोलते हैं, हिंदी में इसको गुड़हल बोलते हैं, बांग्ला में क्या बोलते हैं इसको कुछ पता नहीं, ऐसे कुछ नाम दोजा पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं। जो भी होगा बांग्ला का नाम एक बार कमेंट में बताना, हमें भी याद हो जाए, ठीक है। बांग्ला वाला नाम हमें याद नहीं है, लेकिन इसको जो है इसका यूज़ करके, इस रेड कलर का होना चाहिए, ध्यान रखें, इसका यूज़ करके हम लोग पीएच पेपर बना सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कर रखा है, सिंपल सा वाइट पेज, जो A4 साइज पेपर आते हैं उन्हीं पेजेस को हमने कट कर लिए। उसके ऊपर क्या किया हमने, इस गुड़हल के जो ये हमारे पास हिबिस्कस का फूल है इसी के पत्तियों को घिस दिया है इसमें। उसके बाद इसको हमने सन में, मतलब सनलाइट में इसको सुखा लिया है, सनलाइट में रख लिया है इसको। अभी तुम्हारे सामने भी एक दिखा देंगे, बस करना क्या है इसको, इसी को इसके ऊपर घिस करके इसको रख लेना है, सुखा देना है। उसके बाद अब जब तुम इसके ऊपर एसिड बेस डालोगे ना, इसके ऊपर जैसे तुम एसिड बेस डालोगे देखोगे इसका कलर चेंज होगा, बहुत प्यारा सा कलर होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं, आ जाइए पास में। हमें क्या करना होगा, हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ बेस। कैसे बेस डालेंगे, बेस डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो पहले तो हम इसमें जो है ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की पैलेट्स हैं, कुछ इसमें गोलियां पड़ी हुई हैं, टैबलेट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की, तो हम उसको पानी में डाल रहे हैं। ये पानी है, ये रहा। अब ये क्या होगा, ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम घुला लेते हैं, गुलजारी दादा, बहुत गर्म हो जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस जब पानी में जाते हैं तो वो हीट लिबरेट करते हैं, तो ये थोड़ा सा हीट लिबरेट करता है, डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकते। अभी देखना, ये बिल्कुल और कुछ नहीं, क्या सिंपल पेपर है ये, और गुड़हल का फूल जब इसमें आया ना तो ये एक केमिकल पेपर हो गया। अभी देखना है कैसा काम करेगा, हमें इंडिकेट करके देगा। अब मान लो ये हमें मिल जाता, हमें चेक करना होता कि ये बेसिक सॉल्यूशन है कि नहीं। देखो इसका कलर कैसा चेंज होता है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तुम्हें फील कैसे होगा, लेकिन अभी देखना जब ये जब हम HCl का यूज़ करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, अभी तो ये NaOH है, देखना इसका कलर कैसे चेंज होता है। आ जाइए पास में, ले लिया हमने क्या NaOH, और इसका कलर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चेंज होगा। ए बिल्कुल पास में ले आइए, और सब इसी की कलाकारी है। ए बिल्कुल पास में आके देखेंगे ना तो इसका कलर जो है चेंज हो रहा है। देखिए इसका कलर थोड़ा सा ब्लू जैसा हो रहा है, बिल्कुल वैसा नहीं है, ध्यान से देखिए पेज में जा करके कैसा कलर दे रहा है। ये क्या वैसा है जैसा पहले था, नहीं नहीं इसका कलर चेंज हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ब्लू विट्रियोल जैसा, और तुम्हें वीडियो में शायद थोड़ा सा ग्रीन जैसा दिख रहा हो। इसका कलर चेंज हो जाता है, बेसिक मीडियम में इसके कलर चेंज हो जाते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अच्छा, इसी को ही अगर हम थोड़ा सा दूसरे पेपर में दिखाते हैं कैसे इसका कलर चेंज होता है, ठीक है। एक बार और, ये रहा अपने पास NaOH का सॉल्यूशन, जैसे ही हम इसके ऊपर डालेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये थोड़ा सा देखो देखो इसका कलर कैसे, इसका कलर तुम्हें ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, एक इंडिकेटर जैसा काम कर रहा है, कैसे इसका कलर हल्का सा ग्रीन कलर में, पहले ब्लू आता है और थोड़ी देर बाद वो थोड़ा ग्रीन कलर में हो जाता है, ध्यान से देखें, और येलो में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, एक इंडिकेटर जैसा काम करता है ये, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड NaOH हो गया है, इस वजह से वो पेज के साथ भी रिएक्शन कर ले रहा है और इसका कलर चेंज कर देता है। ये एक बेसिक मीडियम में ही ऐसा करता है, अभी देखना एसिडिक मीडियम में इसकी कलाकारी क्या होगी, एसिडिक मीडियम में थोड़ा अलग बिहेवियर शो करेगा। तो ये हो गया बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में तुमने देख लिया कैसे ये हिबिस्कस, जिसको चाइना रोज भी बोल देते हैं कुछ लोग, कैसे इसका कलर चेंज हो गया। आइए फिर हम आपको एसिडिक मीडियम में दिखाते हैं, ठीक है।
ले आओ इधर पास में भाई, ये रहा HCl, ध्यान से देखते रहिए। और इसकी गैस बबल्स निकलती हैं इसकी, किस क्या निकलती हैं इसकी बबल्स, ये मतलब एक हिसाब से रूम टेम्परेचर पे ये गैसियस फेज में होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है। हमें इसी के लिए ही मास्क की बहुत भयंकर ज़रूरत है, और क्योंकि इसके हाथ में भी लग गया और ये हाथ को हमारे गर्म कर रहा है, ये भले हमने ये पहन रखा है उसके बाद भी मेरा हाथ जो है जल रहा है थोड़ा सा, इसमें शायद पहले से लगा हुआ है कुछ। ध्यान से देखिए कैसे इसके बबल्स निकल रहे हैं, ये एसिड है, इसको हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना होगा। कुछ नहीं किया है हमने, सिंपल ये देख रहे हो A4 साइज पेपर है, और अब इसकी कलाकारी देखना, एसिड में जा करके इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है, एसिड में जा करके, ठीक है। पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है, आँखों में जलन पैदा करता है, स्किन को जला देता है, एसिड है ना भाई। आइए, देखा तुमने ना बेस के साथ कैसा हुआ, येलो कलर में कुछ कन्वर्ट हो गया है, ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन था थोड़ा सा येलो कलर में हो गया, ये तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। और अब हम इसको देने जा रहे हैं एसिड, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड एसिड, देखते रहिएगा इसके कलर को, देखो हे ये तो पिंक पिंक हो गया, और देखो दूर तक कैसे पेज का कलर चेंज होता जा रहा है, दूर तक पूरे के पूरे पेज का कलर दूर तक कैसे चेंज होता जा रहा है, देखिए पूरा पेज कैसे हो गया, देखिए क्या पहले ऐसे था, पहले ऐसे हुआ करते थे ये, अभी तो ये रेड हो गया। दूसरा तुम्हें दिखाते हैं, देखिए ध्यान से कैसा है कलर अभी, और जैसे ये जाएगा, कुछ नहीं किया मैंने बस ये बिल्कुल वैसा कलर हो रहा है जैसे ये था, इसको देखो ध्यान से जैसा था बिल्कुल, ये मतलब एसिडिक मीडियम में रेड कर दे रहा है। अगर तुम्हें पहचानना होगा, देखो दोनों का बेसिक मीडियम में कैसा था दूसरा कलर, और एसिडिक मीडियम में देख रहे हैं कैसा रेड कलर आ रहा है, या ऐसे इसे पिंक कलर बोल सकते हो, ये एसिडिक मीडियम का कमाल है, पूरा का पूरा पेज कैसे अपना कलर चेंज कर ले रहा है एसिडिक मीडियम में, ये मज़ेदार लग रहा है कि नहीं। ध्यान से देखिए पूरे पेज का कलर अभी कैसा है, और जैसे HCl गया तो कैसे हो जाएगा पूरे के पूरे पेज का कलर, इंडिकेटर जैसा काम कर रहा है, समझ में आया। घर बैठे कैसे हम बनाएं, कुछ नहीं करना है। अच्छा घर में चेक करना हो तो क्या तुम HCl लेकर चेक करोगे, मिलेगा ही नहीं तुम्हें HCl, तो कैसे करोगे घर में, कैसे करेंगे भाई, घर में करना हो तो लेमन ले लेना, लेमन से करोगे ना तो ये तुम्हें थोड़ा सा ब्लू कलर में आएगा, मतलब ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा रेड नहीं होगा जैसे अभी हुआ है। घर में लेमन, वो भी तो उसका जूस निकाल लोगे तो वो भी तो एसिडिक नेचर का होता है ना, तो वहाँ से तुम देखोगे। और अगर बेकिंग सोडा होगा, बेकिंग सोडा से चेक करोगे तो ये कलर तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये NaOH था तो ऐसा कलर आ रहा है, बहुत ज़्यादा बेसिक था, ये बिल्कुल येलो येलो जैसा हो गया। लेकिन अगर तुम यूज़ करोगे बेकिंग सोडा, वो भी बेसिक नेचर का होता है, तब इसका कलर ऐसा नहीं होगा, तो कलर कैसा होगा, तो फिर कलर आएगा थोड़ा सा ब्लू जैसा आएगा, वो लगभग ग्रीन के पास आकर के रुक जाएगा, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था, थोड़ा सा बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो आओ तुम्हें हम बना के दिखाते हैं, और एक बार तो हम ये भी चेक करेंगे डायरेक्ट इसके ऊपर डालने से क्या होता है, आओ एक बार, हमें भी नहीं पता है भगवान जाने क्या होगा डायरेक्ट इसके ऊपर डालने से। ओहो कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इसमें तो हमने रख दिया, लेकिन इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये गिर्द डायरेक्ट से कुछ नहीं हुआ, इसका कलर में कोई फ़र्क नहीं आया। आइए अब आपको हम दिखाते हैं लाइव, ध्यान से देखते रहिएगा, ये पेज है, पहले मैंने इसके ऊपर घिस लिया और फिर हम इसको कर लेंगे सूखा, ठीक है। अभी मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा टाइम का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम डाल रहे हैं एसिड तुरंत, फूकेंगे कैसे मास्क के ऊपर से, आओ देखो 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 देखो, देख रहे हैं अभी इसका कलर तुरंत,
पहले ये काम, क्योंकि अभी ये सूखा नहीं है, इस वजह से तुम्हें जो है इसमें थोड़े बबल्स दिख रहे होंगे, क्योंकि वाटर है ना, और नहीं तो इसका कलर देखो कैसे हो जाता है, एसिडिक मीडियम, ये घर पे बना हुआ पीएच मीटर हो गया। कुछ करना नहीं है, बस तुम्हें ये फूल तोड़ने। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो गलत काम है, फूल आपने तोड़ दिया। अरे भाई ये मैंने वैसे तोड़ा नहीं, ये यूज हो चुका था, इसका मतलब कि ये शाम को खिला हुआ था, रात में गिर गया और खुद मैंने उठा के इसको यूज कर लिया। तुम्हें लग रहा होगा कि जैसे मैंने तोड़ के ले आया, नहीं नहीं शायद एक को मैंने तोड़ा है, झूठ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक तो बस ये सारे गिरे हुए फूल थे हमारे यहाँ ऊपर हैं, उसी का यूज़ किया है। एक तो मैंने बाहर से भी मंगाया, इधर पास में एक बच्चा रहता है उसके यहाँ से। अब तुम्हें बेस डाल के दिखाते हैं, ठीक है, एसिड वाला तो मैं डायरेक्ट डाल ही देता हूँ। चल भाई इसके ऊपर डाल देते हैं, देखो एसिडिक मीडियम वाले का कलर तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना। चल बेटा ये देखो एसिड बेस रिएक्शन, आइए ये देखो आराम कर रहा है ना, देखो अभी ये लाइव वाला जो अभी मैंने तुरंत इसको बनाया है, इस पे डाल रहे हैं बेस। बेस डालने से देखो पहले कैसे आया ब्लू जैसा, फिर ग्रीन जैसा हो गया, और थोड़ी देर बाद इसका कलर कैसा ऑरेंज आ रहा है, येलो थोड़ा जैसे, ये फिर से देखना एक ड्रॉप और देखो, पहले ब्लू आया, थोड़ा सा ग्रीन कलर का होता है, फिर येलो हो जाता है। ये देखो ब्लू कलर ग्रीन हुआ और उसके बाद येलो हो गया, ठीक है। और अगर हम इसी के ऊपर अभी ये बेस डाल देना, क्योंकि पहले से एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज और दिखा देते हैं, इंडिकेटर में अपने पास तो फिनॉल फिथेलिन है, जिसके बारे में तुमने पहले से भी देखा होगा, इसकी थोड़ी सी कलाकारी। अब ये क्योंकि बेसिक मीडियम है, फिनॉल फिथेलिन तो अपना केमिकल है ना, लो ये इंटरेस्टिंग सा कलर बेसिक मीडियम में कैसा दे देता है, ये कलर बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, बेसिक मीडियम में कौन, फिनॉल फिथेलिन। ये अपने पास फिनॉल फिथेलिन है, ये देख सकते हैं पानी जैसा होता है, बेसिक मीडियम पीएच 8.2 से लेकर 10 के बीच में ये ऐसा पिंक कलर देता है, कितना प्यारा सा पिंक कलर आता है, देख रहे हैं ये जा रहा है पिंक कलर, बेसिक मीडियम में कैसा कलर दे रहा है, पिंक कलर। चलिए फिर तो तुम घर में कैसे पीएच मीटर, ये पीएच पेपर बना सकते हो बड़े आराम से, बस केवल तुम्हें इसका यूज करना होगा, इसका यूज करें और बड़े आराम शांति से बनाए, ठीक है। वीडियो में कौन सा पोर्शन तुम्हें सबसे अच्छा लगा, एसिड को जब मैंने डाला इसके ऊपर तब, फिर या बेस को डाला तब, घर में तुम कैसे कर सकते हो मैंने बताया ना, बेकिंग सोडा का यूज करके, लेमन का यूज करके, ये बनाओ पीएच मीटर पे डालो, मतलब ये नॉर्मल सा कोई पेज ले लो, कट कर लो और उस पे रफ कर दो, सनलाइट में उसे सुखा ले लो, बड़ा मजेदार ये तुम्हें एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा, घर का बना हुआ अपना बनाया हुआ पीएच पेपर, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, एक बार ट्राई जरूर करेंगे। वीडियो का कौन सा पोर्शन अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाय।